नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ तृप्ति विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम्स चाईबासा। इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं सिंहभूम की खबरों पर। चाईबासा शहर के पिल्ले हॉल में स्वीप गतिविधि के तहत मतदाता जागरूकता को लेकर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसका शुभारम्भ उप विकास आयुक्त संदीप कुमार मीणा ने किया। इस दौरान उप विकास आयुक्त द्वारा लोगों को मतदाता शपथ दिलाई गयी। सांस्कृतिक कार्यक्रम में जिले के विभिन्न स्कूलों के बच्चों द्वारा मतदान आधारित नाटक का मंचन, संगीत और कविता पाठ कर उपस्थित सभी लोगों को मतदान करना कितना आवश्यक है उसके प्रति जागरूक किया गया और उपस्थित सभी लोगों को प्रेरित किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उप विकास आयुक्त संदीप कुमार मीणा ने कहा कि सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र में मतदान 13 मई को निर्धारित है। काफ़ी संख्या में फर्स्ट टाइम वोटर्स भी हैं। सभी लोग मतदान दिवस के दिन अवश्य मतदान करें। इसके साथ ही अपने घर वालों और आस पड़ोस के लोगों को भी मतदान करने हेतु प्रेरित करें। उन्होंने कहा कि 15 अप्रैल तक प्रपत्र 6 के माध्यम से मतदाता सूची में नाम जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। जिनका भी मतदाता सूची में नाम नहीं है वे पोर्टल के माध्यम से भी नाम जोड़ सकते हैं। जिस प्रकार से आप सबको पता है कि सिंहभूम संसदीय लोकसभा क्षेत्र का जो चुनाव होना है जिसमें वोटिंग होनी है वो 13 मई को वोटिंग होनी है, इसके लिए जिला प्रशासन स्वीप के तहत मतदाताओं को जागरूक करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। इन कार्यक्रमों का मूल उद्देश्य क्या है और आप लोगों से हम लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं, इसके बारे में मैं 2-3 इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको बताना चाहता हूँ। एक तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं तो ये जो लोकतंत्र का पर्व है उसमें आपकी सहभागिता बहुत इम्पोर्टेंट है। आप लोग न केवल अपना वोट का प्रयोग करेंगे लेकिन हम लोग आपसे ये एक्सपेक्ट करेंगे कि आप आपके संबंधी हैं, आपके माता पिता हैं, आपके गांव और दूरदराज के एरिया में जो लोग रह रहे हैं जिनको आप लोग पहचानते हैं उन लोगों से भी मतदान का प्रयोग करने के लिए, मतदान करने के लिए आप लोग अपील करेंगे और उन लोगों को जो है मतदान केंद्र में लेकर के जाएंगे। आप लोगों से मेरी ये भी अपील रहेगी क्योंकि अभी भी 15 अप्रैल तक मतदाता सूची में लोगों का नाम जोड़ने का कार्यक्रम अभी भी चल रहा है, तो आप लोग जो है, आप सब लोगों के पास में मोबाइल है, मोबाइल में वोटर हेल्पलाइन ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपका नाम मतदाता सूची में है या नहीं है आप वोटर हेल्पलाइन ऐप के थ्रू चेक कर सकते हैं। नहीं है तो आप बीएलओ के माध्यम से भी जांच कर सकते हैं कि आपका नाम है या नहीं है, क्योंकि नहीं होगा तो आप लोग अपना मत का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि अप्रैल माह शुरू होते ही पश्चिमी सिंहभूम जिले में गर्मी ने लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया है। जिले में पारा 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। पूरे जिले में तेज धूप का असर बरकरार है। बढ़ती गर्मी का मार लोगों को झेलना पड़ रहा है। सुबह होते ही धूप के चढ़ते ही लोगों को गर्मी परेशान करने लगी है, जिससे लोगों को घरों से बाहर निकलने के लिए सोचना पड़ रहा है। शनिवार को जिले का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री रहा। गर्मी के कारण शहर में और बाजारों में लोगों का आवागमन कम हो गया है। तेज धूप से लोगों की परेशानी बढ़ रही है, वहीं त्वचा भी झुलस रही है, जिसके कारण लोग घरों से बाहर निकलने में कतरा रहे हैं। लोग जरूरी काम से घरों से बाहर निकल रहे हैं। आवश्यकता पड़ने पर घर से बाहर निकलने पर लोग शरीर को ढककर जा रहे हैं ताकि हीट वेव से बचा जा सके। गर्मी से बचाव के लिए लोग बाजार में तरबूज, आइसक्रीम, छाछ, लस्सी, ठंडा पेय पदार्थ का इस्तेमाल कर रहे हैं। साथ ही धूप से बचने के लिए छाता, चश्मा, टोपी, गमछा का इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि बढ़ती गर्मी से लोगों को कुछ दिनों के अंदर राहत मिलने की खुशखबरी है। मौसम विभाग के अनुसार 7 अप्रैल से मौसम का मिजाज बदलने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार 7 अप्रैल से झारखंड राज्य के कई जिलों में बारिश और आंधी आने की संभावना है, जिससे जिले के लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। झारखंड राज्य के अलग हुए 24 साल बीत गया है, बावजूद पश्चिमी सिंहभूम जिले के कई गांवों में आज तक बिजली नहीं पहुंच पाई है। बिजली नहीं पहुंचने वाले गांव में से एक गांव है टोंटो प्रखंड का पोखारी बुरु। टोंटो प्रखंड का पोखारी बुरु गांव के लोग आज भी ढिबरी युग में जीने को विवश है। लोग चांद पर पहुँच गए हैं लेकिन पोखारी बुरु गाँव में आज तक बिजली नहीं पहुँच पाई है। नेताओं के आश्वासन के भरोसे आज भी इस गांव के लोग अंधेरे में जीवन जीने को विवश हैं। यह गांव टोंटो प्रखंड के अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र में है। इस गांव में सुविधाओं का अभाव है,
इस गांव को बिजली से रोशन करने के लिए मिनी सोलर एनर्जी प्लांट लगाया गया था। यह सोलर प्लांट 2018 से खराब पड़ा है। खराब सोलर प्लांट को चालू करने के लिए ग्रामीणों ने जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधि को आवेदन दिया। ग्रामीणों का आवेदन फाइलों में बंद पड़ा है। जनप्रतिनिधि ने भी गांव को बिजली से रोशन करने के लिए कोई सूद नहीं ली। इस बात को लेकर जनप्रतिनिधि से ग्रामीणों की नाराजगी है। ग्रामीणों की समस्याओं की सूद लेने के बजाय जनप्रतिनिधि चुनाव के समय दरवाजे पर दर दर भटक रहे हैं। आप सोने और चांदी का आभूषण खरीदारी करना चाहते हैं तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं, चले आइए श्याम ज्वेलर्स में। श्याम ज्वेलर्स में आपको सोने और चांदी के लेटेस्ट डिजाइन के आभूषण उचित मूल्य पर मिलेगा। श्याम ज्वेलर्स में सोने और चांदी के आभूषण की शुद्धता की 100% गारंटी है, तो फिर ज्यादा क्या सोचना है, आज ही आइए श्याम ज्वेलर्स। हमारा पता है सोनार पट्टी सदर बाजार चैबासा। कार की सर्विसिंग या फिर डेंटिंग पेंटिंग करानी है तो अब जमशेदपुर क्यों जाना, चैबासा में भी होगा सारा काम, वह भी विश्वसनीयता के साथ। जंक्शन पॉइंट बॉस सर्विस सेंटर में चार पहिया वाहन से जुड़ा सारा काम होता है, वह भी भरोसे के साथ। एक्सीडेंटल सर्विस, डेंटिंग पेंटिंग सर्विसिंग, व्हील अलाइनमेंट, वॉशिंग, पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटी, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट, कार एक्सेसरीज, यह सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध है। हमारा पता है चैबासा टाटा मार्ग टेकासाई चैबासा। पश्चिमी सिंहभूम जिला के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चैबासा में मातृत्व एवं शिशु स्वास्थ्य केंद्र का नवीनीकरण और कायाकल्प करते हुए मॉडल टीकाकरण के अलावे प्रसव संबंधी सभी आवश्यक जांच सुविधा केंद्र का शुभारंभ सिविल सर्जन डॉक्टर साहिर पॉल ने किया। केंद्र के शुभारंभ के अवसर पर गुणवत्तापूर्ण प्रसव संबंधी सभी आवश्यक जांच सुविधाएं एवं राष्ट्रीय टीकाकरण से संबंधित सभी प्रकार के टीकाकरण शिशु और गर्भवती महिलाओं को प्रदान करने का संकल्प लिया गया। इस मौके पर सिविल सर्जन ने कहा कि यह मॉडल ANC और टीकाकरण केंद्र झारखंड का पहला मॉडल के रूप में स्थापित किया गया है। उन्होंने कहा कि आगामी माह में जिला अंतर्गत सभी 15 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में मॉडल टीकाकरण और ANC केंद्र स्थापित किया जाएगा। चैबासा पुलिस लाइन केंद्र परिसर में आज शाम को इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। इसमें जिले के पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर, सिविल सर्जन डॉक्टर साहिब पॉल, चैबासा के SDO रमेश रंजन सहित अन्य पुलिस पदाधिकारी और शहर के गणमान्य लोग शामिल हुए। इफ्तार पार्टी से पहले सभी लोगों को टोपी पहनाकर और गमछा उड़ाकर सम्मानित किया गया। इसके बाद सभी लोगों ने साथ बैठकर भोजन ग्रहण किया। पुलिस केंद्र परिसर में हर साल रमजान के मौके पर एक दिन इफ्तार पार्टी का आयोजन होता है, जिसमें प्रशासनिक और पुलिस विभाग के अलावा समाज के अन्य वर्ग के लोग भी हिस्सा लेते हैं। ईद, सरहुल एवं रामनवमी के दौरान विधि व्यवस्था संधारण को लेकर उपायुक्त कुलदीप चौधरी और पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने समाहरण नाले सभा कक्ष में प्रशासनिक एवं पुलिस पदाधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में उपायुक्त ने सभी अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देश दिया कि अपने क्षेत्र में शांति समिति की बैठक करके जुलूस में सम्मिलित होने वाले सभी लाइसेंसी अखाड़े, गैर लाइसेंसी अखाड़े एवं गणमान्य व्यक्तियों को आमंत्रित कर उन्हें त्योहार के मद्देनजर आवश्यक दिशा निर्देश देना सुनिश्चित करें। साथ ही संवेदनशील स्थानों को चिन्हित कर वहां विधि व्यवस्था से संबंधित अगर कोई मामला है तो उसका निपटारा करने को कहा गया। उपायुक्त ने अनुमंडल पदाधिकारी को सरहुल और रामनवमी के अवसर पर पूजा स्थलों और पूजा स्थलों से निकलने वाले जुलूस के लिए निर्धारित मार्ग का स्वयं भौतिक सत्यापन करने और निर्धारित मार्ग को अवरोध मुक्त करवाने का निर्देश दिया। जुलूस के दौरान संबंधित रूट का बिजली आपूर्ति बंद रखना होगा। मार्ग में समुचित लाइट की व्यवस्था रहेगी। जुलूस के दौरान बजाने वाला गाना पेन ड्राइव की मदद से बजाना है, ऑनलाइन माध्यम यूट्यूब से नहीं। साथ ही पेन ड्राइव का एक कॉपी संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी या संबंधित थाना को भी प्रेषित करना है। सरहुल और रामनवमी जुलूस की निगरानी ड्रोन कैमरे से होगी। लोकसभा चुनाव के कारण जिले में आदर्श आचार संहिता लागू है, त्योहार के दौरान इसका उल्लंघन किसी भी परिस्थिति में ना हो, इसका ध्यान रखते हुए निर्देश पदाधिकारियों को दिया गया है।
आया आया नीलम शून्य स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू, जी हाँ, नीलम शू का वादा, दाम कम मजबूती ज्यादा। नीलम शू राजाबाड़ी गली सदर बाजार चायवासा। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू लेकर आया है सभी स्कूलों का स्कूल ड्रेस, डीएवी स्कूल, संत जेवियर स्कूल, जिला स्कूल, एसपीजी मिशन, संत विवेका, रूंगटा, स्कॉट स्कूल इत्यादि के स्कूल ड्रेस, स्कूल बैग, स्कूल जूते, मोजे, स्कूल बेल्ट, टिफिन बॉक्स इत्यादि उत्तम क्वालिटी के किफायती दामों में उपलब्ध है। तो अवश्य पधारें नीलम शू राजाबाड़ी गली सदर बाजार चायवासा। जी हाँ, नीलम शू का वाद। आप खेल से जुड़ा सामान खरीदना चाहते हैं तो कहीं और जाने की क्या जरूरत है? अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन है ना, हम आपको हर आइटम जमशेदपुर से भी कम कीमत पर चायवासा में उपलब्ध कराते हैं। क्वालिटी प्रोडक्ट के लिए तो चिंता ही नहीं करनी है। चायवासा शहर के सदर बाजार में एफएस टावर और जेएमपी चौक के पास, दोनों ही जगहों पर संचालित होता है अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन। तो फिर सोचना क्या है, आइए अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन और अपना पैसा और समय दोनों बचाइए। 19 अप्रैल को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस मनाया जाना है। इस दिन पूरे जिले में लोगों को एल्बेंडाजोल की गोली खिलाई जाएगी। तैयारी को लेकर सिविल सर्जन डॉक्टर साहिर पॉल ने शनिवार को बैठक की। सिविल सर्जन कार्यालय स्थित सभागार में आयोजित बैठक में कृमि मुक्ति दिवस को लेकर की गई तैयारियों पर चर्चा की गई। बताया गया कि 19 अप्रैल को जिले के सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्र में एल्बेंडाजोल की गोली खिलाई जाएगी। इसके बाद 26 अप्रैल को मॉपअप राउंड चलेगा, जिसमें दवा खाने से वंचित रह गए बच्चों को दवा दी जाएगी। बैठक में ACMO डॉक्टर भारती मिंज व डॉक्टर गौरी मिंज, सदर अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर ANDA, DDM दीपक कुमार, अजमत अजीम सहित अन्य लोग मौजूद रहे। जमशेदपुर में अपराधी बेलगाम होते नजर आ रहे हैं। एक घटना का पुलिस खुलासा कर रही है तो अपराधी दूसरी घटना को अंजाम दे रहे हैं। मानगो के उलीडी थाना क्षेत्र के संकोसाई में अपराधियों ने एक बार फिर पुलिस को चुनौती देते हुए गोली चालन की घटना को अंजाम दिया है, जहां दुकानदार द्वारा रंगदारी नहीं दिए जाने पर अपराधियों ने दुकान के सामने हवाई फायरिंग कर इलाके में सनसनी फैला दी, जिससे आसपास के लोगों में एक बार फिर दहशत का माहौल बन गया है। दुकानदार ने किसी तरह दुकान में छिपकर अपनी जान बचाई है। पुलिस मौके पर पहुंच मामले की जांच में जुट गई है। मामला शुक्रवार की देर रात की है। क्या हुआ, मामला बताइए, क्या देखे? हम देखे कि तीन लड़का आया, उतर के आया, रंगदारी टैक्स मांग रहा था। एक बार वो आगे आया था, नहीं मिला, फिर दूसरा बार आया मांगने, नहीं दिया, गोली चलाया। हम सामने पूछे भी कि क्या मांग रहा है, तो बोलता है कि रंगदारी टैक्स। आप अकेले थे दुकान में? नहीं, लड़का था। अच्छा, आप कहाँ थे? हम यहाँ पर बगल में बैठे हुए। आपको बोला रंगदारी तो होगा? लड़का को। लड़का को बोला? हाँ। क्या नाम है लड़का का? बैद्यनाथ। बैद्यनाथ कुमार स्टोर। कितना रंगदारी मांग रहा था? वो उतना ना करा, खाली कहा कि पैसा दीजिए। खाली पैसा दीजिए? हाँ, पैसा दीजिए। कितना लड़का लोग था? लोग तीन ठो। तीन ठो था? पहले भी कभी मांगा आपसे? हाँ। कब? 15-20 दिन लाए हो ये गया। एक हो गया। खाना में शिकायत किया थे? ना। उस टाइम नहीं शिकायत किया था? कितना राउंड फायरिंग हुआ? अभी दो हुआ। कोका मिला? एक तो मिला। एक मिला। पकड़ाया कोई? नहीं, चला गया। क्या चीज में था बोलो? रामनगर में जी एक अपराधी है विवेक तिवारी करके, उनके द्वारा शराब पीने के लिए या नशा करने के लिए पैसा का निर्माण किया, नहीं देने पर वो हवाई फैली। कितने पैसे मांग कर रहा था? एक्चुअली पैसा बोला नहीं कि कितना चाहिए, चाहिए नहीं दिया तो वो हवाई फैली। ऐसा कुछ पुराना आपराधिक इतिहास भी रहा है सर विवेक तिवारी का? वो हम लोग देख रहे हैं, है ना। ऐसा पहले बता रहा है कि एक दो बार ट्राई किया है दुकानदार, पहले डिमांड नहीं किया है कि हमको इतना ही रुपये चाहिए। क्या नाम है सर इस दुकानदार का?
दुकानदार का नाम है वैद्यनाथ कुमार। क्या चीज दुकान इसका है? राशन का दुकान। जमशेदपुर के घागीडी जेल में शुक्रवार की देर रात प्रशासन की टीम ने छापामारी की। इस दौरान पूरे जेल कैंपस में हड़कंप मच गया। एसडीएम पारुल सिंह, सिटी एसपी मुकेश कुमार के नेतृत्व में छापामारी की गई। रात 2 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक चली छापेमारी में जेल के हर वार्ड को खंगाला गया। बताया जा रहा है कि शहर में हो रहे आपराधिक घटनाओं का लिंक जेल के अपराधियों से खंगालने में पुलिस जुटी है। छापेमारी के दौरान किसी तरह का आपत्तिजनक सामान कैदियों के बीच नहीं मिला। सभी टीमों द्वारा अलग अलग ब्लॉक्स को, अस्पताल को और डिफरेंट सेल्स को चेक किया गया। तो चेकिंग के दौरान किसी भी प्रकार की कोई बैंड आइटम या सामग्री बरामद नहीं हुई। आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नए खबरों के साथ। तब तक बने रहे हमारे चैनल पर। धन्यवाद।